अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक बहुत बुरी खबर है कि दी इडियट्स जो फनी यूट्यूब चैनल है वो हैक कर लिया गया है, किसी मुल्क से वो हाईजैक किया गया है। तो फैसल इकबाल भाई ने एक वीडियो बनाई है फेसबुक पे और अपने चैनल पे, तो काफ़ी अफसोस है भाई, हमें भी बहुत अफसोस है क्योंकि सालों से ये लोग इंटरटेनमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो भाई इनके लिए दुआ करें, द इडियट्स चैनल वापस आ जाए और दोबारा से ये लोग काम करें और दोबारा से लोगों को हंसाएं। क्योंकि देखें, जो लोग जो है किसी के लिए खुशी का सबब बनते हैं तो वो समझें एक सवाब के मुर्तकिब होते हैं। तो भाई हमें लोगों के गम का जो है मदावा करना चाहिए और दूसरा ये कि किसी के गम का सबब नहीं बनना चाहिए, ठीक है, कि आपकी वजह से वो बंदा रो जाए या आपकी वजह से वो तकलीफ़ में आ जाए। तो भाई मैं तो अपने चैनल के तवस्सुस से मैं जो है इसकी मजम्मत करूंगा कि भाई इनका चैनल जो हैक किया गया है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि चैनल वापस आ जाए और दोबारा से ये लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को हंसता खेलता दोबारा जो है शुरू करें और लोगों को हंसाएं। तो मैं तो उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इनका चैनल वापस आ जाए और इंशाल्लाह दोबारा ये लोगों को हंसाएं और लोगों के चेहरों पे जो है हंसी मुस्कुराहट बिखेरें। तो इंशाल्लाह काशान, हम्माद, फैसल, ये तमाम जितने भी हैं यार, आपको पता है कि द फन फिन भी बहुत एक मजाहिया चैनल है, तो ये हमारे जो है लीजेंड हैं पाकिस्तान के। तो इनके लिए दुआ है भाई, आप तमाम जितने भी लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, भाई इनके लिए दुआ करें कि इनका चैनल वापस आ जाए इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि वापस आ जाएगा इंशाल्लाह यार, बहुत सालों की मेहनत होती है और ये इतनी आसानी से जो है हाईजैक हो जाए या हैक हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वापस हो जाएगा चैनल। तो मैं भी इनके लिए दुआ करूँ, आप भी दुआ करें इंशाल्लाह। ये छोटी सी अपडेट आपको देनी थी। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के